हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? ऑल आर गुड। चलिए गाइज, आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ये आपका ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका एनवायरमेंटल बायोलॉजी यूनिट से है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पोर्शन आपका। ठीक है, जबकि एनवायरमेंटल बायोलॉजी यूनिट है आपकी, उसमें आपका बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन एक छोटा सा पोर्शन है, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं आपके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर तो गाइज, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, जहाँ से बायोडाइवर्सिटी, ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी का ही पोर्शन है आपका, उसमें ये ओवरऑल ये सिलेबस है आपका बायोडाइवर्सिटी में। इट्स कंजर्वेशन, डेफिनेशन, टाइप्स, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रीट क्या है आपका। ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉटस्पॉट, सब मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सारा इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड। ठीक है, इसमें नेशनल पार्क के बारे में, सेंचुरी के बारे में, तो ये सारी हमारा क्या है, ये सारा बायोडाइवर्सिटी पोर्शन में हमारा इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, ये टर्म आपका किसने कॉइन किया था, एंड क्या क्या वेरिएशंस, क्या क्या होता है बायोडाइवर्सिटी में। ओके, तो सबसे पहले जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है गाइस, ये आपका किसने कॉइन किया था, वाल्टर जे रोशन ने किया था। ठीक है, तो ये भी, ये वाला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है कई बार, तो ये वाला वाल्टर जे रोशन। ठीक है, इन्होंने इनको बायोडाइवर्सिटी टर्म को कॉइन किया था। अभी बायोडाइवर्सिटी है दो वर्ड से बना हुआ है आपका, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी। ठीक है, दो वर्ड से मिलके बना हुआ आपका, मतलब बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, वेराइटी ऑफ प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स कम्युनिटीज इन एन इकोसिस्टम। ये आपकी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन होती है आपकी। ठीक है, मतलब जो भी लाइफ है, जो भी लिविंग बींग है, उनकी वेराइटी, ठीक है, उसकी डाइवर्सिटी, तो ये होता है आपका बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अभी जो ये बायोडाइवर्सिटी है, इसमें जीन्स की भी डाइवर्सिटी आ सकती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी भी इंक्लूड है, मतलब जीन्स की वेरिएबिलिटी, स्पीसीज की वेरिएबिलिटी, ऑर्गेनिजम्स की वेरिएबिलिटी, इकोसिस्टम वेरिएबिलिटी, तो ये इसमें ये सारी बायोलॉजिकल लाइफ है, ये सारी इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग अनीता, गुड इवनिंग शिवानी, गुड इवनिंग रोशन, गुड इवनिंग निधि एंड ऑल, गुड इवनिंग गाइस। चलिए, तो अगर हम बात करें वेरिएशन की बायोडाइवर्सिटी की, तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इक्वेटर टू पोल की बात करें, ठीक है, अगर हम इक्वेटर से पोल की साइड में मूव करते हैं, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, इक्वेटर टू पोल बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है हमारी। ठीक है, लेकिन पोल से इक्वेटर की साइड जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका मल्टीपल टाइम आया हुआ है, क्यों, क्योंकि जैसे बायोडाइवर्सिटी में क्या इंक्लूड है आपका, लिविंग बींग, तो लिविंग बींग को की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए आपको, टेम्परेचर भी चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर भी चाहिए, रेनफॉल भी चाहिए, तो इन सारी चीज़ें कहाँ पे होती है आपकी, आपकी इक्वेटर जोन पे ज़्यादा होती है आपकी पोल के कंपेयर में। ठीक है, तो इस वजह से आपका इक्वेटर पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोल, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। और अगर हम बात करें, एज वी मूव फ्रॉम टॉपिक टू द पोल द एक्सटेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। ठीक है, मतलब आपका इक्वेटर से पोल की साइड में जाए, या फिर ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन को अगर आप लेके चलते हो, तो ट्रॉपिकल एरियाज में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है टेम्परेट के कंपेयर में, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर कम, बायोडाइवर्सिटी कम। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर, रेनफॉल ज़्यादा, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा, तो आप ऐसे इन दोनों को रिलेट करके चल सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, हमने इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। जीन के बेस पे होता है ये अपना जेनेटिकल डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है स्पीसीज, अगर स्पीसीज में वेरिएबिलिटी आती है आपकी, अगर इकोसिस्टम में वेरिएबिलिटी आती है आपकी, तो इसको बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, इसके अलावा है आपका, तो जेनेटिकल डाइवर्सिटी क्या है आपका, वेरिएशंस ऑफ जीन्स
विद इन द स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, तो ये आपका जेनेटिकल डाइवर्सिटी हो गया। और उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, जेनेटिकल डाइवर्सिटी, जीन डाइवर्सिटी क्या होता है, मतलब कोई भी स्पीसीज है वो जेनेटिकली डिफरेंट हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट हो जाते हैं। लाइक जो जो पीपल आपके हिली एरियाज में रहते हैं उनमें अलग जीन्स होते हैं, उनमें क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग सर्वाइव करने का हैबिट होती है उनको, ठीक है। और जो जो लोग प्लेन एरियाज में रहते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, वो अलग होती है आपकी, ठीक है। तो जैसे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पीपल लिविंग इन हिली एरियाज डेवलप जीन्स इन अकॉर्डेंस विद द क्लाइमेटिक कंडीशंस एज दे हैव वाइडर चेस्ट टू सक मोर एयर फ्रॉम द एनवायरमेंट वेयर डेंसिटी ऑफ गैसेज इज क्वाइट लो। तो ये तो कॉमन है कि जैसे जैसे हम माउंटेनिंग एरियाज की साइड में जाते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड वाइज इंक्रीज, एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है, वैसे जैसे आपकी गैसेज भी क्या होती है, आपकी गैसेज की डेंसिटी भी कम होती जाती है आपकी, ठीक है। तो इसलिए जो हिली एरियाज हैं वहाँ के लोगों का चेस्ट क्या होता है, वाइडर होता है, ताकि वो ज़्यादा एयर को सक कर पाए, इसलिए, ठीक है। तो ये एडेप्टेशंस होती है यू कैन से, ठीक है। तो ये आपका जेनेटिकल डाइवर्सिटी। इसके अलावा अगर आप बात करो स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है आपकी वैरायटी ऑफ स्पीसीज, ठीक है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अगर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वैरायटीज आ रही है आपकी, ठीक है, एनवायरमेंट के अंदर, तो ये आपकी स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गई। अभी स्पीसीज डाइवर्सिटी को भी आपने फर्दर डिवाइड कर दिया, एक तो हो गया आपका स्पीसीज रिचनेस, ठीक है। तो स्पीसीज रिचनेस क्या, आपका नाम से पता चल रहा है, रिचनेस मतलब आप नंबर की ओर कर रहे हो, ठीक है, नंबर की नंबर के बारे में बता रहे हो आप कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज किसी भी गिवन एरिया में कितने हैं, तो वो स्पीसीज रिचनेस बताती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ गिवन रीजन और लोकेलिटी इट टेल्स अबाउट स्पीसीज रिचनेस। उसके बाद है क्या, सी बारे में बताइए क्या डाउट है, क्या डाउट है आपको बताइए। चलिए ओके, उसके बाद है स्पीसीज अबंडेंस। स्पीसीज अबंडेंस क्या बताती है आपको, आपको रिलेटिव नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बताती है, ठीक है, रिलेटिव नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अमंग द स्पीसीज। तो ये आपका स्पीसीज अबंडेंस, मतलब ओवरऑल स्पीसीज में से सबसे ज़्यादा कौन सी स्पीसीज डोमिनेट कर रही है, ठीक है, कौन सी स्पीसीज डोमिनेट कर रही है आपकी, तो वो आपका स्पीसीज अबंडेंस बताती है आपको। देन है आपका टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी। टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी फाइलोजेनेटिक टर्म से भी आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी क्या बताती है आपको, इज अ जेनेटिकल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ठीक है, कि वेरियस ग्रुप ऑफ स्पीसीज के बीच में क्या जेनेटिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका बताता है टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल्स की बात करें अगर हम टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी की, तो फॉर एग्जांपल इफ एट अ प्लेस एक्स देयर आर फोर स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल एंड टू स्पीसीज ऑफ बर्ड, वेयर इन अदर प्लेस वाई देयर आर सिक्स स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल एंड नो स्पीसीज ऑफ बर्ड। इसका मतलब क्या है, आपका जो आपका प्लेस एक्स है ना, वहाँ पर टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाई। तो ये होता है आपका आपका फाइलोजेनेटिक के बारे में, ठीक है, जो अभी आपने पढ़ा टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी, ये उसके बारे में बताता है। ओके, टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी इसी के बारे में बताता है। उसके बाद है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या बताता है आपको, इकोसिस्टम में वेरिएबिलिटी, ठीक है, वेराइटीज इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, कि एक इकोसिस्टम में हैबिटेट और निश इनके अंदर क्या वेराइटीज है, क्या चेंजेस हैं, क्या डाइवर्सिटी है, या आपको इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इसमें बताते हैं। जैसे आपका आपको पता है अलग अलग हैबिटेट होते हैं, ग्रासलैंड, कोरल, डेजर्ट, मैनग्रूव्स, तो ये अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्पीसीज मिलते हैं, अलग अलग टाइप के फोना फ्लोरा हर चीज़ें क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, और किनके बेसिस पे, वहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशन एग्जिस्ट करती है उस एनवायरमेंटल कंडीशन के बेस पे, ठीक है, सॉइल वाटर क्लाइमेट इन बेस के इस इन चीज़ों के बेस पे अलग अलग क्या होती है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अलग अलग होती है, स्पीसीज अलग अलग होती है यहाँ पे। देन अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो अभी पता चल जाएगा आपको, किसने पूछा था, रोसाली ने ना, रोसाली अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, तो अगर हम मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो दो चीज़ें होती है इसमें, ठीक है, एक तो स्पीसीज रिचनेस और दूसरा होता है स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज रिचनेस में क्या होता है आपका अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं आपके,
ठीक है। चलिए अगर हम बात करें, अभी आपने पूछा स्पीसीज इवननेस क्या होता है मैम, तो स्पीसीज रिचनेस तो मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ स्पीसीज किसी भी एरिया में लोकेट कर रही है वो रिचनेस बता रही है आपका। और स्पीसीज इवननेस क्या बता रही है, प्रोपोर्शन, ठीक है। मान लो आपकी 100 स्पीसीज है, उसमें से 20 आपके रेप्टाइल है, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या बता रहा है आपको, रिलेटिव, ठीक है। जो आपकी रिलेटिव स्पीसीज थी ना, रिलेटिव अबंडेंस, वो आपका स्पीसीज इवननेस की तरह ही होता है। यस बिल्कुल रविंद्र, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका बताता है स्पीसीज इवननेस, इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ स्पीसीज एट अ गिवन साइट, इट शो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अ स्पीसीज इन अ रीजन, ठीक है। रिलेटिव अबंडेंस की कौन सी स्पीसीज डोमिनेट कर रही है आपका, ठीक है, कौन सी स्पीसीज आपकी डोमिनेट कर रही है वो आपका क्या बताता है, स्पीसीज इवननेस बताता है आपका, ठीक है। तो ये है आपका, तो इसमें कंफ्यूज मत होना गाइस, दोनों टर्म अलग अलग है। रिचनेस मतलब ओवरऑल एंड इवननेस मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है, उसका परसेंटेज कितना है आपका। ओके, गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग पूजा। ओके चलिए, तो अगर हम बात करें स्पीसी रिचनेस में हमने क्या क्या पढ़ा अभी, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और ये किसने दिया है आपका, ये आइडिया आपका एच विटेकर ने दिया है, ठीक है, एच विटेकर ने दिया ये आइडिया अल्फा बीटा एंड गामा। तो अभी होता क्या है ये अल्फा बीटा एंड गामा, तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप अल्फा डाइवर्सिटी की बात करते हो तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है आपकी, विद इन इकोसिस्टम या बिटवीन टू, ठीक है। मतलब अल्फा डाइवर्सिटी आपके छोटे लेवल पे होता है, ठीक है, छोटे लेवल पे आपका अल्फा डाइवर्सिटी होता है। जैसे आपके पास ये दो कम्युनिटी है, मान लो कम्युनिटी ए है, कम्युनिटी बी है आपका, यहाँ पे 5 डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है आपका 5 डिफरेंट शेप्स हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ की दोनों की अल्फा डाइवर्सिटी सेम है, ठीक है, यहाँ पे वैरायटी और जो स्पीसीज मिल रही है आपकी वैरायटीज वो सिमिलर है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अल्फा डाइवर्सिटी भी सेम है। उसके बाद अगर आप बात करो ये कम्युनिटी सी भी इसके अंदर इंक्लूड करते हो, तो कम्युनिटी सी के अंदर कितनी है, सिर्फ 3 डिफरेंट शेप्स है आपकी, ठीक है। तो चलिए अब ए को सी के साथ रिलेट करो, यहाँ पे 5 डिफरेंट शेप्स हैं, मतलब 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी 3 डिफरेंट शेप्स हैं, मतलब 3 टाइप्स ऑफ स्पीसीज हैं यहाँ पे, 3 टाइप्स ऑफ स्पीसीज। तो इन दोनों में अल्फा डाइवर्सिटी किसकी ज़्यादा है, आपकी कम्युनिटी ए की ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेराइटीज ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा डाइवर्सिटी भी आपकी ज़्यादा होगी और यहाँ पे आपकी कम होगी आपकी, ठीक है, क्लियर। और ऐसे ही अगर बी को और सी को करते हो आप, तो बी हैज अ हायर अल्फा डाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू कम्युनिटी सी। ओके, तो ये आपका ये जितनी भी शेप्स है ये माइक्रोबियल स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रही है, क्लियर गाइस, अल्फा डाइवर्सिटी। ओके चलिए, तो नेक्स्ट करते हैं हम बीटा डाइवर्सिटी। तो बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है, किसी भी दो एरिया के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि ड्यू टू एनवायरमेंटल ग्रेडियंट स्पीसीज में जो भी आपकी स्पीसीज कंपोजिशन है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन करते हैं, चेंजेस देखते हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल ग्रेडियंट। तो ये वर्ड्स याद रखना कि जिस वर्ड जिस स्टेटमेंट में आपका कंपैरिजन, आपका डिफरेंस, एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, आपके ये वर्ड हो तो वो आपके किसके बारे में है, वो बीटा डाइवर्सिटी के बारे में है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अल्फा में, बीटा में, गामा में, लेकिन ये कोड वर्ड है, इससे आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हाई, अगर इस वाले एरिया की बात करो माउंटेन स्लोप की, तो यहाँ पे क्या है आपकी, आपकी 3 टाइप ऑफ स्पीसीज है, ये मोस्ट स्पीसीज फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो यहाँ पे क्या है आपकी वेराइटीज है, ये लो बीटा डाइवर्सिटी क्या है, यहाँ पे सेम स्पीसीज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्रीन सर्कल एक ही टाइप की है, मोस्ट स्पीसीज सेकंड वाले। तो यहाँ पे भी क्या है आपकी, जैसे जैसे आपका ग्रेडियंट इंक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आपकी हाई बीटा डाइवर्सिटी क्या है, यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, ठीक है, मतलब वेराइटीज मिल रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे आपका लो बीटा डाइवर्सिटी है, यहाँ पे आपकी हाई बीटा डाइवर्सिटी है। तो गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका बायोडाइवर्सिटी का, ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट भी होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका बीटा डाइवर्सिटी ऑफ टू हैबिटेट, माउंटेन स्लोप्स के बारे में बता रहे हैं आपको। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट गामा के बारे में, ठीक है। अभी गामा क्या है, जिसमें लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, बोले ना कि अगर हम स्पीसीज वेराइटीज देख रहे हैं लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज में, तो वो क्या होगा आपका, आपका गामा डाइवर्सिटी होगा, ठीक है। लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया आपको गामा डाइवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं। ओके,
तो अगर देखो अगर हम तीनों को रिलेट करते ना अल्फा बीटा एंड गामा को, तो इस वाले स्ट्रक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। छोटे लेवल पे क्या हो रहा है आपका अल्फा, ठीक है, छोटे लेवल पे आपका अल्फा हो रहा है मतलब विद इन कम्युनिटी, यू कैन से विद इन कम्युनिटी या बिटवीन कम्युनिटी, एक ही लेवल पे। लाइक अगर हम बात करें कि अगर आपकी कोई भी सिटी है, ठीक है, ये आपके सिटी लेवल पे है, अल्फा आपका सिटी लेवल पे है, बीटा आपकी स्टेट लेवल पे है, एंड आपका गामा किस लेवल पे है, आपके पूरी कंट्री लेवल पे है, ठीक है, पूरे कंट्री लेवल पे है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो अगर हम बात करें विद इन वन हैबिटेट, ठीक है, छोटे लेवल पे, और इसके अंदर हम देखते हैं वेराइटीज ऑफ स्पीसीज, तो ये आपका अल्फा। अगर हम बिटवीन टू देख रहे हैं तो ये आपका बीटा। अगर हम वॉल देख रहे हैं लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज में, तो वो होता है आपका गामा। क्लियर गाइस? तो इन वर्ड से याद रखना, ठीक है। अल्फा आपका क्या देखते हो आप, स्पीसीज रिचनेस देखते हो बिटवीन टू हैबिटेट, बिटवीन टू कम्युनिटीज, ठीक है, या विद इन कम्युनिटीज। और अगर आप बात करो किसकी, बीटा की, तो बीटा क्या होता है आपका, बीटा देखते हो, कंपेयर करते हो ड्यू टू एनवायरमेंटल ग्रेडियंट आपकी बिटवीन टू इकोसिस्टम्स, आपका कितना कितना स्पीसीज में वेराइटीज आ रही है, ठीक है, कितना चेंज आ रहा है, कंपेयर करते हो, डिफरेंस चेक करते हो, ठीक है। और गामा में लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज चेक करते हो कि लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में वेराइटीज और स्पीसीज कैसी है आपकी। क्लियर? दीज आर द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के मेजरमेंट के मेथड है अल्फा बीटा गामा। चलिए, यस, उसके बाद तो ये भी मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अलग से समझ में आ जाएगा आपको। नंबर ऑफ स्पीसीज देखना हो छोटे लेवल पे, तो ये होगा आपका अल्फा, ये आपका लोकल है। बीटा क्या है आपका, टर्नओवर, टर्नओवर रेट क्या होता है आपका, टर्नओवर होता है आपका ड्यू टू एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके, तो इसमें डिफरेंस देखते हो आप, बीटा में डिफरेंसेस देखते हो आप। उसके बाद गामा में लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर देखते हो चेंजेस, तो ये रीजनल लेवल पे है। तो इनके सेकेंडरी नाम भी याद कर लेना, अल्फा लोकल होते हैं आपका, बीटा टर्नओवर, गामा इज रीजनल, ठीक है, तो ये तीनों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये आपका। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट, कि बायोडाइवर्सिटी हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करो, कंजर्व करो, भाई क्यों करो, इंपॉर्टेंट क्यों है ये बायोडाइवर्सिटी। तो आपको पता है हमें जितने भी एनवायरमेंटल सर्विसेज होती है, जितने भी हमें एनवायरमेंटल रिसोर्सेज मिल रहे हैं आपके, जितने भी एनवायरमेंटल में रेगुलेटिंग प्रोसेसेस हो रही है, ठीक है, वो सारा कहाँ से हो रहा है आपका, वो सारा बायोडाइवर्सिटी से रिलेट कर रहा है आपका, ठीक है। ऑल स्पीसीज इंक्लूडिंग ह्यूमन डिपेंड्स ऑन ईच अदर टू सर्वाइव, ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर आपकी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये जितनी भी सर्विसेज है, इकोसिस्टम सर्विसेज है, ये सारी लॉस हो जाएगी आपकी, तो इसलिए इसको कंजर्व करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इससे हमें क्या मिलता है, हमें काफ़ी एनवायरमेंटल, काफ़ी हमें प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं, मटेरियल्स वगैरह लाइक फूड, फ्यूल, फाइबर्स, ठीक है, मेडिसिन वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आप बात करो रेगुलेटिंग प्रोसेसेस की, तो ये क्लाइमेट को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, पोलिनेशन प्रोसेस सपोर्ट कर रहा है आपका, ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, वाटर प्यूरिफिकेशन में, इन सब में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज फॉर एन्जॉयमेंट ऑफ द ब्यूटीफुल आउटडोर, ठीक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी अच्छी है आपकी, इसका मतलब है बायोडाइवर्सिटी अच्छी है तो देखने में भी ये लगता है कि यस वेजिटेशन कवर ज़्यादा है, ठीक है, तो ये भी आपका टूरिज्म वगैरह भी इंक्रीज होता है इस चीज़ से, ठीक है। और जितने भी पोइट वगैरह है ना, तो जो ये पोएम वगैरह लिखते हैं, ठीक है, उनके आइडियाज भी आपके कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेट, नेचर से रिलेटेड होते हैं आपके, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं आपके, तो ये एस्थेटिक्स वैल्यूज को भी इंक्रीज करता है, रिक्रिएशनल वैल्यूज को भी इंक्रीज करता है ये। यस, बिल्कुल। अच्छा, कैन बायोडाइवर्सिटी समटाइम हार्मफुल, बायोडाइवर्सिटी हार्मफुल होती है, लेकिन वो एक अलग एक्सेप्शन हो गया ना शिवारम, वो एक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है, लेकिन आपका बायोडाइवर्सिटी है वो आपका क्या होता है, वो आपका यूजफुल ही होता है, आपका सपोर्ट ही करता है आपकी लाइफ को, इकोसिस्टम को, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखो एक अगर आप ये मान के चलते हो हार्मफुल, अगर आप कहीं ना कहीं उसको हार्म करते हो तो वो हार्म करेगा, वो वाली बात है, अगर आप किसी भी डॉगी को ऐसे पत्थर फेंक के मारोगे तो वो आपको काटेगा, तो वही काम इसके साथ है। अगर आप बायोडाइवर्सिटी के साथ अगर आप ऐसे बायोडाइवर्सिटी को हार्म करने की कोशिश करते हो, देन वो भी आपके लिए क्या होगी, देन वो भी आपके लिए टॉक्सिक काम करेगी, है ना। चलिए,
तो अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये मैंने अलग अलग मेथड उसमें लिखे हुए हैं। जेनेटिकल डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, मतलब जीन्स वगैरह में वेरिएबिलिटी आती है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके अलावा आपका आपका जो भी नेचुरल डिजास्टर वगैरह होते हैं उसको स्पीड से रिकवर करने में हेल्प करती है आपका, ओके। और इकोसिस्टम में बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है, सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ में हेल्प करती है, फूड चेन को मेंटेन करने में हेल्प करती है, सोयल फॉर्मेशन को प्रमोट करती है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को प्रोवाइड करती है, प्रोविजन करती है रिसोर्सेज वगैरह को, डिफरेंट हैबिटेट को अडेप्ट करने में हेल्प करती है, और फूड सिक्योरिटी को भी हेल्प, फूड सिक्योरिटी में भी हेल्प करती है। तो ये काफ़ी फंक्शंस है इसके, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने इसी के बारे में लिखा हुआ इम्पोर्टेंस। तो ये क्या, एक तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। क्यों है भाई? क्योंकि आपने देखा होगा आपकी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी से आपको क्या मिलता है, काफ़ी प्रोडक्ट्स वगैरह, काफ़ी रॉ मटेरियल मिलते हैं, जितने भी आपकी ड्रग्स वगैरह, जितने भी अभी आपकी मेडिसिंस वगैरह है ना, वो लगभग सारी कहाँ से मिलती है आपको, आपको बायोडाइवर्सिटी से ही, फ्लोरा फोना से ही मिलती है आपको, ठीक है। तो अगर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं तो वो इकोनॉमिकल ग्रोथ में हेल्प करती है। अगर बायोडाइवर्सिटी आपकी क्या होती है, लॉस होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं आपकी आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो डिक्रीज होती है आपकी, ठीक है, ओके। और पावर्टी को भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है अगर बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो जाती है तो, इस वजह से। दूसरा आपका जो आपकी वेरियस इकोसिस्टम में जो कंटिन्यूटी मेंटेन है आपकी, ठीक है, उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे पोलिनेशन प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअली होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि भाई यहाँ ये प्लांट कैसे ग्रो कर गया, क्योंकि वो आपका क्या है, वो आपका रिजल्ट होता है पोलिनेशन का, ठीक है। तो देयर आर ऑल्सो थाउजेंड्स ऑफ पोलिनेटर्स सच एज इंसेक्ट एंड बर्ड्स, तो ये सब आपका, ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू को भी इंक्रीज करता है, जैसे आपका विजिट टू एनिमल पार्क, बर्ड वॉचिंग, नेचर आर्ट, ये सारे एस्थेटिक वैल्यू होती है आपकी, ठीक है, एस्थेटिक वैल्यूज को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। उसके बाद है आपका इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंसेस में जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वगैरह, ठीक है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस, आपका जो भी आपका CO2 ऑक्सीजन का जो बैलेंस मेंटेन है, वो सारे किसका किसका रिजल्ट है आपका, आपका इकोलॉजिकल बैलेंस वो सारा बायोडाइवर्सिटी की वजह से तो है, ठीक है। अगर आपके प्लांट्स ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, वेजिटेशन ग्रो ज़्यादा है, तो उससे आपका CO2 ऑक्सीजन का बैलेंस क्या है, वो मेंटेन बना रहेगा, और वो सारे किसकी वजह से, वो बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है एक आपका, ठीक है, ओके। चलिए, तो उसके बाद हम बात करते हैं इथिकल वैल्यूज। तो भाई, इकोसिस्टम राइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टेट दैट एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ इन एन इकोसिस्टम इज यूनिक एंड डिजर्व रिस्पेक्ट फ्रॉम ह्यूमन बी। तो भाई, इथिकल वैल्यूज भी होती है आपकी, चाहे एनवायरमेंट पे किसी भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हो, सभी का क्या है आपका, सभी को इक्वली यूनिक तरीके से रहने का क्या है, राइट है उनको, ठीक है। तो ये आपका इथिकल वैल्यूज को भी प्रमोट करता है आपका बायोडाइवर्सिटी। चले, उसके बाद तो ये भी याद कर लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजम्पटिव, प्रोडक्टिव, सोशल, इथिकल, एस्थेटिक, ऑप्शनल एंड इकोसिस्टम सर्विसेज वैल्यू, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं, गाइस ये वाला समझ में आ रहा है, ये वाला डायग्राम, बिगेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। चलिए एक बार हेडिंग पढ़ लीजिए, हेडिंग देख लीजिए आपका किस किस क्या क्या थ्रीट्स होती है बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो क्लाइमेट चेंज, आगे हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन, पोल्यूशन, इन्वेजिव स्पीसीज, ओवर एक्सप्लोइटेशन और अदर पोटेंशियल थ्रीट लाइक स्लैश एंड बर्न, जो भी आपके एग्रीकल्चर होते हैं वो आगे करेंगे हम लोग, ठीक है, वन बाय वन। तो सबसे पहले करते हैं हैबिटेट लॉस। तो हैबिटेट लॉस के क्या होते हैं आपके, हैबिटेट लॉस आपका नेचुरल तरीके से भी हो सकता है और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से भी। अगर आप बात करो नेचुरली, तो अगर कोई भी डिजास्टर हो जाता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है आपका, जो भी आपकी स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही है उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है, उसकी वजह से उसका जो नंबर है वो एकदम से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है आपका। एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, मैन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, इन सब की वजह से भी क्या होता है आपका, स्पीसीज का हैबिटेट लॉस हो जाता है और फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाती आपका, ठीक है। फिर है आपका क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी, क्लाइमेट चेंज भी आपका मेन रीजन है आपका बायोडाइवर्सिटी थ्रीट में, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी थ्रीट क्लाइमेट चेंज की वजह से भी होता है। कैसे, दिस इन क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू लॉन्ग टर्म एंड इरिवर्सिबल चेंज
दैट अकर्स इन द अर्थ क्लाइमेट. ठीक है, जो आपका नॉर्मल जो आपका टेम्परेचर होता है, एम्बियंट टेम्परेचर यू कैन से, जो आपका अर्थ का अगर वो टेम्परेचर वेरी करने लग जाए तो वो क्या होता है आपका, वो क्लाइमेट चेंज है. वो आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही होता है मेनली. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपका क्लाइमेट चेंज हो जाए तो उसकी वजह से जो आपका ग्लेशियर्स वगैरह है वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं. और जब ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं आपके, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो जो आपके ओशन और सी है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है आपका. ठीक है, आपका ओशन एंड सी, एक सेकेंड, आपका ओशन एंड सी का लेवल इंक्रीज हो जाता है आपका. तो ये भी कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो जो एक्वेटिक बॉडीज है उनके जो हैबिटेट है उसको कहीं ना कहीं डिग्रेड करता है ये आपका. ठीक है, ओके. उसके बाद हम बात करते हैं पोल्यूशन. तो पोल्यूशन की वजह से भी भाई, जैसे लाइकन है आपका, लाइकन कहाँ पे ग्रो नहीं करता, जहाँ पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगा वहाँ पे लाइकन ग्रो नहीं करता. तो ऐसी काफ़ी स्पीसीज है आपकी जो पोल्यूशन, आपका पोल्यूशन कंडीशन में ग्रो नहीं कर पाती. तो पोल्यूशन की वजह से भी, चाहे वो वाटर हो, चाहे एयर हो, लैंड हो, चाहे नॉइज पोल्यूशन, कोई भी पोल्यूशन का पार्ट हो, वो सब क्या करते हैं आपके बायोडाइवर्सिटी लॉस करते हैं. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस करते हैं आपके. ओके, उसके अलावा है इनवेजिव स्पीसीज. इनवेजिव स्पीसीज क्या होती है आपकी, दो तरीके की स्पीसीज होती है, एक तो नेटिव, एक होती है इनवेजिव. अगर नेटिव बात करो तो नेटिव वो होती है जो वहीं की होती है, उसी जगह की होती है. ठीक है, और इनवेजिव अगर कोई बाहर से फॉरेन स्पीसीज आती है तो वो इनवेजिव स्पीसीज बोलते हैं. तो अगर कहीं से इनवेजिव स्पीसीज आती है तो क्या करेगी, जो वहाँ की नेटिव स्पीसीज है ना उनको डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है. ठीक है, उसकी वजह से वो स्पीसीज खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जो आपकी इन्वेजिव स्पीसीज है ये आपके नेटिव स्पीसीज के कंपेयर में ज़्यादा कैसी होती है, ज़्यादा मॉडिफाइड होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. तो इस वजह से, ठीक है, तो ये इन्वेजिव स्पीसीज भी आपकी क्या है, आपकी हैबिटेट, आपका जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसका एक पार्ट है आपका इन्वेजिव स्पीसीज भी. ठीक है, उसके बाद है आपका ओवर एक्सप्लोइटेशन. अगर आप किसी भी रिसोर्स का ओवर यूज़ करना स्टार्ट कर दो, लाइक ओवर हार्वेस्टिंग, ओवर फिशिंग, ओवर हंटिंग, तो एक टाइम तो भाई ऐसा आएगा जब वो उसके रिजर्व ही खत्म हो जाएंगे. ठीक है, वो रिसोर्सेज ही खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे. तो इसलिए क्या करना चाहिए, ओवर यूजिंग किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, ना ओवर हार्वेस्टिंग, ना ओवर फिशिंग, ना ओवर हंटिंग. ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है आपकी बायोडाइवर्सिटी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है आपका. ओके, उसके बाद दूसरे थीट्स में, जैसे अगर कोई भी डिजीज आ जाए, ठीक है, अगर कोई भी डिजीज वगैरह आ जाता है, कोई भी इन्फेक्शन डिजीज, जैसे इबोला वायरस आया था आपका, ठीक है, फ्लू वगैरह, तो इसकी वजह से भी क्या होता है आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है आपका. ठीक है, तो इसकी वजह, ये भी एक मेन रीज़न है आपका हैबिटेट लॉस में और एज वेल एज आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस में. ठीक है, उसके अलावा है जूम कल्टिवेशन. नो सिवारम, एसिड रेन हैपन्स ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल भी नहीं. आपका एसिड रेन किस वजह से होता है आपका, आपका एसिड रेन तो जब अगर आपके एटमोसफेयर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस या CO2 है और उसकी वजह से अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बना लेती है तो वो होता है मेन रीजन फॉर एसिड रेन, है ना. चलिए, तो बायोडाइवर्सिटी आपका रीजन नहीं है. ओके, चलिए, ओके. और किसने क्या पूछा था, सिबारम ने, इथिकल बायोडाइवर्सिटी, इथिकल वैल्यूज थी वो, सिबारम वो इथिकल वैल्यूज थी आपकी, कि इथिकल वैल्यूज कैसे सपोर्ट करती है कि बायोडाइवर्सिटी में रहके तो आपको पता चलता है कि ऑल स्पीसीज आर इक्वल, सभी स्पीसीज को सर्वाइव करने का राइट है. ऐसा नहीं है कि जो आपकी छोटी स्पीसीज है उनको ग्रो करने का राइट नहीं है. ठीक है, सिर्फ ह्यूमन ही डोमिनेट करता है, ऐसे तो नहीं है. तो ये उस चीज के बारे में बता रहा है आपको, इथिकल वैल्यूज. ठीक है, मतलब आपको इथिकल वैल्यूज लाइक कि आपको फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए, ठीक है, वेजिटेशन, आपको प्लांट कट नहीं करने चाहिए, ये सारी क्या है आपकी, दीज आर इथिकल वैल्यूज. ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग दीपिका, हेलो दीपिका. चलिए, उसके बाद जूम कल्टिवेशन की बात करें तो गैस ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है. तो जूम कल्टिवेशन को आप स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन भी बोलते हो. ठीक है, स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन मतलब ये एक ग्रुप होता था पहले, अभी रेयर, अभी कम मिलते हैं ये वाले ग्रुप. ठीक है, ये वाला जो आपका क्रॉप प्लांटेशन वेजिटेशन जो भी है, ठीक है, एग्रीकल्चर मेथड है, ये पहले होता था. ठीक है, अभी काफ़ी मिनिमम हो गया, ये पहले ज़्यादा होता था.
तो अगर हम बात करें इसमें क्या होता है आपका, आपका एक ग्रुप होता है झूमिया, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट को कट करते हैं, बर्न करते हैं और वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, और एग्रीकल्चर करने के बाद कुछ साल एग्रीकल्चर करते हैं, जब उस सॉइल की फर्टिलिटी आपकी ख़त्म हो जाती है तो उस जगह को छोड़ के दूसरे फॉरेस्ट पे जाते हैं, उनको कट करते हैं, वहाँ पे आपका क्या करते हैं, वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस होती है आपकी, ठीक है। और ये किस एरिया में है आपके, ये आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपके। और इसको, इसके नाम जरूर याद कर लेना, जूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये सारे इसी के नाम है, जूम कल्टीवेशन, ये सब। ओके, तो ये कौन कौन से रीजन में आपके, नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम में, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जूम कल्टीवेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, क्लियर यहाँ तक सभी को? ओके, उसके बाद हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। तो गाइस, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें तो इन सीटू एंड एक्स सीटू आपका दो टाइप का होता है। इन सीटू कि जिस भी एरिया में, मतलब जो भी आपका फॉरेस्ट वगैरह अगर बात करो, उसी साइट पे किसी भी स्पीसीज को कंजर्व करना, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना ऑन द साइट, सेम जगह पे जहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं, और एक्स सीटू में कहीं दूसरी जगह पे ले जाके फिर उनको कंजर्व करना, ठीक है। इन सीटू में क्या होता है आपको, आपको सेम साइट पे ही कंजर्व करना, एंड एक्स सीटू पे आपको कहीं दूसरी साइट पे ले जाके, लाइक जू वगैरह ना, कि अगर कोई भी आपकी स्पीसीज है वो डिक्लाइन होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है, तो क्या करते हैं उसको कैप्टिव, ठीक है, उसको जू वगैरह में कैप्टिव रखते हैं, उसको कैद में रखते हैं, फिर इंटरब्रीडिंग करा के देन उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, और जब एक टाइम होता है उसकी पॉपुलेशन अगर अबंडेंट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, देन उसको दोबारा उसके लोकल एरियाज में छोड़ देते हैं फिर। तो ये प्रोसेस होती है आपकी। ओके, तो ये आपके टाइप्स हैं, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज, तो ये हम आगे करेंगे वन बाय वन, ठीक है। चलिए, तो ये वाला मैंने बता दिया ना बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के मेन तीन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी स्पीसीज की डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना स्पीसीज इकोसिस्टम का, और क्या, मेंटेन करना लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम एंड एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को। तो ये दो मेथड होते हैं, इन सीटू एंड एक्स सीटू। ओके, इन सीटू की बात करते हैं, तो इन सीटू भी मैंने बताया क्या करते हैं, नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, कि जो स्पीसीज है उसका, उसी के नेचुरल हैबिटेट में ही उसको कंजर्व करना, ठीक है। और तो ये क्या है आपका, ये कॉस्ट इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट मेथड होता है बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने का, ठीक है। और एक लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप साइमल्टेनियसली कंजर्व कर सकते हो यहाँ पे, और एग्जाम्पल्स कौन कौन से, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, आप वन बाई वन करते हैं। तो नेशनल पार्क क्या है आपका, नेशनल पार्क वो एरिया होता है जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती, ठीक है, ये वो एरिया होता है आपका जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम बात करें एग्जांपल की नेशनल पार्क के, तो कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क, ये सब आपके क्या है, नेशनल पार्क है। उसके बाद हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है आपकी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी वो रीजन होता है जहाँ पे सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती है आफ्टर द परमिशन ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन लेने के बाद यहाँ पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती है आपकी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी गाइस आया हुआ है आपका, ठीक है, कौन कौन परमिशन देता है आपको, आपको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिशन देता है आपको, ठीक है, किस किस चीज की, टूरिज्म वगैरह के लिए, ठीक है, कोई भी लॉफुल अगर एक्शन करना हो, ठीक है। तो इस, ये आगे हम करेंगे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी है इसमें, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसका क्या होता है, उसका, उसके पास क्या राइट है, एक्विजिशन ऑफ सेंचुरी लैंड, ठीक है, जो आपके सेंचुरी लैंड है उसको, उसको एक्वायर करने का किसके पास राइट है, आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ सेंचुरी लैंड का आपका राइट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है, ठीक। तो ये दोनों याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। और नेशनल पार्क वो है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती है। चलिए, तो अभी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के क्या क्या फंक्शन होते हैं अभी, तो ये फंक्शंस देख लो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, स्टडी ऑफ वाइल्ड लाइफ करना हो, फोटोग्राफी करनी हो,
आपकी साइंटिफिक रिसर्च हो, टूरिज्म हो, कोई भी लॉफुल बिजनेस करना हो, तो इन सारा कौन करता है, कौन देख रेख करता है, आपका चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। इन सभी फंक्शंस की परमिशन कौन देता है आपको, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन देता है आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व की। तो बायोस्फीयर रिजर्व है ये बड़ा रीजन होता है आपका। इसके अंदर अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, तो इसमें मोर देन टू इसके अंदर नेशनल पार्क और सेंचुरी आ सकते हैं, ठीक है। मोर देन वन नेशनल पार्क, मोर देन वन सेंचुरीज, तो काफ़ी पार्ट इंक्लूड होता है। ये बड़ा लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व इज डिक्लेयर्ड बाई, किसने डिक्लेयर किया था इसको, मैन एंड बायोस्फीयर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल एंड इंडोर्स्ड बाय यूनेस्को, ठीक है। आपका यूनेस्को ने इसको इंडोर्स किया था। और इसके तीन मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो कंजर्वेशन फंक्शन देखता है ये, एक डेवलपमेंटल फंक्शन देखता है, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट फंक्शन देखता है, मतलब रिसर्च ट्रेनिंग से रिलेटेड आपका ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है आपकी, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपका क्या है, ये आपकी बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क इन इंडिया मैप के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मैप के अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड किया है, कौन कौन से आपके, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका तमिलनाडु के कर्नाटका में, गल्फ ऑफ मन्नार आपका तमिलनाडु में, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व आपका वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरक है मेघालय में, पंचमराई मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में, और अचनकमार अमरकंटक आपका छत्तीसगढ़ में, निकोबार अंडमान और निकोबार में, और अगस्त मलाई आपका 2016 में आया था तमिलनाडु में। और इसके अलावा और क्या है आपका, एक और इंक्लूड हो रखा है ना इसमें, कौन सा इंक्लूड है इसके अंदर, कंचनजंगा कौन सा है बताइए। यस बिल्कुल, कंचनजंगा, ठीक है। एक इसके अंदर कंचनजंगा भी इंक्लूड है, तो वो भी देख लेना इसमें, ठीक, वो अभी ऐड हुआ है अब। ओके, हाँ कंचनजंगा, ठीक है। चलिए ये हमारे ओवरऑल थे। अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, बायोस्फीयर रिजर्व जोनिंग की, तो बायोस्फीयर रिजर्व को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। सबसे अंदर वाला पार्ट होता है कोर एरिया, तो आप इसको ना जैसे आपका अर्थ का स्ट्रक्चर होता है ना, अंदर वाला पार्ट कोर एरिया होता है आपका, तो ऐसे भी याद कर सकते हो अगर भूल जाओ तो, ठीक है। कोर एरिया होता है सबसे अंदर वाला पार्ट, और उसके ऊपर होता है बफर होता है बीच का, ठीक है। मिडल वाला पार्ट, बी से बीच, बी से बफर, ऐसे भी याद कर सकते हो। ट्रांजिशनल एरिया सबसे बाहर वाला होता है आपका, ठीक है। ट्रांजिट जोन, ट्रांजिशन एरिया, बाहर वाला एरिया। तो अगर गाइस अगर हम बात करें, हमने अभी बोला कि जो बायोस्फीयर है उसमें आपका एक से ज़्यादा नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, सेंचुरीज भी इंक्लूड हो सकती है, तो कौन सा पार्ट आपका सेंचुरी होगा, कौन सा पार्ट आपका नेशनल पार्क, बताइए। ओके चलिए मैं बताती हूँ, अंदर वाला पार्ट है आपका कोर एरिया कौन सा होता है, नेशनल पार्क, ठीक है। जो नेशनल पार्क है ना वो कोर एरिया होते हैं, क्यों, क्योंकि कोर एरिया में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती, ठीक है। कोई ह्यूमन एक्टिविटीज आपकी अलाउ नहीं होती कोर एरिया में, यस बिल्कुल। और आपका बफर कौन सा होता है, सेंचुरीज आर बफर जोन एंड ट्रांजिशनल एरिया, वो होते हैं जहाँ पे जो भी देख रेख करता है ना कोर एरिया और बफर जोन का, वो सारे आपके ट्रांजिशनल एरिया में होंगे, ठीक है। जितने भी क्वार्टर, जितने भी आपके ऑफिसेज वगैरह, ठीक है, जितने भी बने होते हैं ये सारे आपके ट्रांजिशन जोन में होते हैं, ट्रांजिशन एरिया में होते हैं आपके। कोर एरियाज में आपके सिर्फ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। आपके जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है वो सारे कोर एरिया में होते हैं, ठीक है। और बफर जोन में कौन होते हैं, बफर जोन में जो कोर एरिया है उनकी जो देख रेख करते हैं आपके जो वर्कर वगैरह वो, ठीक है। और ट्रांजिशन एरिया कौन सा होता है, ट्रांजिशन एरिया वो होता है जहाँ पे हर तरह की एक्टिविटीज अलाउ होती है आपकी, ठीक है। तो ये याद रखना, ये वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ है आपका, इम्पोर्टेंट है। ओके चलिए उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी क्या है आपकी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की, तो इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी की बात करें कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, तो क्या है भाई आपकी, ऑल द वेराइटीज ऑफ फूड, टिम्बर प्लांट, लाइवस्टॉक, माइक्रोब्स एंड एग्रीकल्चर एनिमल शुड बी कंजर्व,
हर चीज़ को कंजर्व करना चाहिए हमें, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी हमें इकोलॉजिकल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जितने भी इकोलॉजिकल गुड्स मिल रहे हैं हमें, उनको कंजर्व करना चाहिए हमें, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स वगैरह है उनको कंजर्व करना चाहिए हमें, ठीक है, इकोसिस्टम को कंजर्व करना, जो यूनिक इकोसिस्टम्स होते हैं लाइक हॉट स्पॉट रीजन, ठीक है, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो भी आपका जहाँ पे टूरिज्म वगैरह ज़्यादा होता है आपका, उस पार्ट को भी ज़्यादा प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है, रिसोर्सेज वगैरह को एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए, मतलब सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम भी यूज़ कर पाए और फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर पाए। ओके, इसके अलावा पोचिंग और हंटिंग को प्रिवेंट करना चाहिए। तो गाइस पोचिंग क्या होता है आपका, हंटिंग मतलब तो हंट करना, ठीक है, यू कैन से हिंदी में शिकार, ठीक है, पोचिंग मतलब क्या होता है, पोचिंग मतलब होता है तस्तरी, ठीक है, कि आप किसी भी एनिमल को हंट करते हो, उसकी स्किन वगैरह, उसके कोई भी बॉडी पार्ट है उसको क्या कर देते हो, उसको बेच देते हो, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, या उस वो होता है आपका पोचिंग, ठीक है, तो उसको पोचिंग एंड हंटिंग इनको भी प्रिवेंट करना चाहिए आपको। जितने भी रिजर्व प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको भी केयरफुली डेवलप करना चाहिए, ठीक है, लेवल ऑफ पोल्यूटेंट को कम करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करना चाहिए, ठीक है, एनवायरमेंटल लॉज बनाने चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए आपकी, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह है, ठीक है, उनको अच्छे से कंजर्व करना चाहिए, पब्लिक को अवेयर करना चाहिए कि भाई अगर आप बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करते हो तो वो हमारे लिए ही क्या होता है, हमारे लिए ही फ़ायदा करता है, हमारे लिए ही वो गुड होता है, हमारे लिए क्या होता है वो फ़ायदा करता है नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह को कंजर्व करने में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें गाइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है ओवरऑल, 553, नेशनल पार्क कितने हैं 104, एंड आपके बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं 18, तो ये भी याद कर लेना आपका, ठीक है। और अगर आप बात करो, क्लियर, ये वाला ही देख लेना, और अगर आप बात करो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की, जो आपकी 10 लिस्ट है उसमें 10, उसमें एक और ऐड हो गया, अभी 11 हो गया उसमें मैप के अंदर, ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद कर लें। साक्षी 554 हो गया अभी, शायद आप जिस सेंचुरी की बात कर रहे हो वो अभी ऐड नहीं हुई है, मेरे अकॉर्डिंग अभी ऐड नहीं हुई है, मेरे को पता आप किसकी बात कर रहे हो, ठीक है, अभी ऐड नहीं हुई है वो, ठीक है, अभी 553 ही है अभी, चलिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करिए, मैंने ओवरऑल लिखा हुआ है 18 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं आपके, ठीक है, आपके 18 है ओवरऑल, सबके नाम दिए हुए मैंने, कोल डेजर्ट, नंदा देवी, तो ये गाइस आपके फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है। अच्छा 554 है, चलिए कोई बात नहीं, मैं चेक करके ऑफिशियल साइट पे चेक, एक तो ऑफिशियल साइट पे चेक किया करो साक्षी, ठीक है, ऑफिशियल साइट पे, अभी ये वाला डाटा मैंने लास्ट मंथ लिया हुआ है, ये वाला डाटा, ठीक है, अभी कोई ऐड हो गया होगा तो पता नहीं मेरे को। ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैं भी चेक करती हूँ, आप भी चेक करना, मेरे अकॉर्डिंग अभी तक 553 था, ठीक है, अभी जो वो वन बात की थी अभी वो ऐड नहीं हुआ है, वो सिर्फ बात की हुई अभी, हाँ बिल्कुल, दहिंग पटकई की बात की गई है, यस अमाइना, अभी जो दहिंग पटकई है अभी वो ऐड नहीं हुआ है साक्षी, अभी करंट में 553 ही है। ओके, चले उसके बाद हम बात करते हैं सेक्रेड ग्रूव्स की। तो सेक्रेड ग्रूव्स क्या है गाइस, इसमें आपका ये इंसिटू कंजर्वेशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं किसी भी इकोसिस्टम को क्या करते हैं हम कल्चरल वैल्यूज के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है, जैसे पीपल कि भाई पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, वो गोड़ के साथ उसको रिलेट कर देते हैं कल्चरल वैल्यूज के साथ, तुलसी, तुलसी की पूजा करनी चाहिए, ठीक है, तो ये सारे हमारे इंसिटू कंजर्वेशन में ही है। ओके, ये सेक्रेड ग्रूव्स आपका क्या है, इंसिटू कंजर्वेशन, याद रखना गाइस, शायद पीछे ना जो मैंने ये आपको ग्राफ दिखाया था ये वाला, इसमें ये सेक्रेड प्लांट इसके अंदर दिया हुआ है, लेकिन ये आपके सेक्रेड प्लांट इसके अंदर आएंगे, अभी यहीं पे क्लियर कर देती हूँ मैं आपका, ठीक है, इंसिटू का ही पार्ट है आपका। ओके, चलिए, ओके, तो ये हो गया आपका सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में।
उसके बाद एक्सीटू कंजर्वेशन की बात करते हैं। एक्सीटू कंजर्वेशन क्या होता है आपका, कि कहीं पे बाहर कैप्टिव ब्रीडिंग कराना, ठीक है, कहीं दूसरी साइड पे ले जाके देन किसी भी स्पीसीज को कंजर्व करना, जैसे जू है आपके, नर्सरीज वगैरह है, बोटैनिकल गार्डन है आपके, जीन बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन मैथड है, टिश्यू कल्चर मैथड है, तो काफ़ी मैथड होते हैं इसमें एक्सीटू कंजर्वेशन आपके, एक्वेरियम वगैरह है आपके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तो आपका द एनिमल्स आर प्रोवाइडेड विद अ लॉन्गर टाइम एंड ब्रीडिंग कैप्टिविटी, ठीक है, ब्रीडिंग एक्टिविटीज होती है इसमें, लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग कराते हैं इसमें, ताकि उसको उसके नंबर को इंक्रीज कर सके। और जब कैप्टिव ब्रीडिंग कराते हैं, जब उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो उनको क्या करते हैं, री इंट्रोड्यूस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो और क्या होता है, जेनेटिकल टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इनडेंजर स्पीसीज, जो इनडेंजर स्पीसीज है इन फ्यूचर जिनका नंबर एक्सटिंक्ट हो सकता है, उनको क्या कराते हैं, जेनेटिकल टेक्निक की हेल्प से उनको प्रिजर्व करते हैं, उनके नंबर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स है, जैसे सीड जीन बैंक, सीड जीन बैंक में सीड्स को करते हैं, ठीक है, जो भी आपके लैब्स वगैरह होते हैं, कंट्रोल कंडीशंस, कंट्रोल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस में सीड जीन बैंक, यहाँ पे इनको स्टोर करते हैं, ठीक है। जीन बैंक में जीन, वेरिएबिलिटी ऑफ जीन्स होते हैं, उनको यहाँ पे जीन बैंक में स्टोर करते हैं, ठीक है, जर्म प्लाज्म वगैरह। देन क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन में, यस बिल्कुल रविंद्र, 553 ही है भाई धनपाल, हिंदी ही यूज कर रही हूँ मैं, पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस करा रही हूँ आपको, एंड आपका एनवायरमेंटल साइंस पेपर 2 में आपका पूरा पेपर इंग्लिश में ही आता है, मैं आपको पीपल एंड एनवायरमेंट नहीं करा रही पेपर 1, ठीक है। हाँ चलिए, फिर है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है भाई, इसमें टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में किसी भी बायोटिक पार्ट को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बायोटिक पार्ट को प्रिजर्व करते हैं, तो ये चीज याद रखना। उसके बाद है टिश्यू कल्चर, इसमें मेरिस्टम कल्चर होता है आपका, इसमें टिश्यूज डिजीज फ्री मेरिस्टम वगैरह को प्रिजर्व करते हैं। लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग, लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग में क्या करते हैं, उनको कैप्टिव ब्रीडिंग कराते हैं, ठीक है, कंट्रोल कंडीशंस में। उसके बाद है बोटैनिकल गार्डन, बोटैनिकल गार्डन में क्या होता है आपका, फ्लावर्स जो आपका फ्लोरा पार्ट होता है उसको प्रिजर्व करते हो। देन आपका एनिमल ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ओके, एनिमल ट्रांसलोकेशन क्या होता है, एनिमल को, रिलीज ऑफ एनिमल इन अ न्यू लोकेलिटी विच कम फ्रॉम एनीवेयर एल्स, ठीक है, मतलब कहीं और दूसरी जगह पे उनको क्या करना, लोकेट कराना, जैसे जू वगैरह है आपके, ठीक है, जैसे जू वगैरह है ना, जू वगैरह में क्या करते हो आप, कैप्टिव ब्रीडिंग ही कराते हो ना, मतलब कहीं एक जगह से जिसके नंबर कम हो रहा है, जिस भी स्पीसीज का कम हो रहा है नंबर, उसको हम दूसरी जगह पे लेके जाके और उनको कंट्रोल कंडीशन में रखते हैं, तो वो सेम होता है आपका एनिमल ट्रांसलोकेशन जैसे ही होता है आपका, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज क्या है, तो ये बिल्कुल जनरल चीज़ें, एक तो जो इंडेंजर्स एनिमल्स हो रहे हैं आपके, जिनका नंबर कम होता जा रहा है, उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है उसके लिए यूजफुल है ये आपका, तो ये काफ़ी ईजी है आपको, कॉमन सेंस की चीज़ है, ठीक है। अगर हम बात करें डिफरेंस का, कि आपका इन सीटू कंजर्वेशन में और एक्स सीटू कंजर्वेशन में दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो ये आपका ऑन साइट है, ये आपका कहाँ है, या फ्रॉम देयर साइट और अकरेंस, ठीक है, फ्रॉम देयर साइट और अकरेंस आपका। इसमें क्या है आपका, इसमें सेंचुरीज नेशनल पार्क इंक्लूड है, ये आपका क्या, कौन से आर्टिफिशियल कंडीशन जो अभी अपने पड़े, एक्वेरियम जू वगैरह, ये क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी अपने आप को मेंटेन कर, खुद मेंटेन कर सकता है, ठीक है, इनेबल बायोडाइवर्सिटी टू मेंटेन इटसेल्फ, इसके लिए क्या होता है आपको, इसको मेंटेनेंस की जरूरत होती है आपको, ठीक है। ये आपका क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क विद अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, इसके लिए इतनी मैनेजमेंट प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती आपको, ठीक है, और ये होती है, इसको आपको मैनेजमेंट प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये वो एरिया होता है इंस्टीट्यूट जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर कोई भी एनिमल स्पीसीज है, उसको मोबिलिटी के लिए स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, ग्रेटर मोबिलिटी प्रोवाइड होती है। ये क्या होता है, ये आपका आपका कंट्रोल कंडीशन होती है, कंट्रोल एरिया होता है, तो उसमें आपकी मोबिलिटी भी कम होती है, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, कोई भी ऑर्गेनिज्म है अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है आपकी, ये क्या होता है, आपका आर्टिफिशियल मेथड है, इसमें आपका इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होती, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
चलिए उसके बाद है बाढ़ डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो गाइस बाढ़ डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है आपका, आपका ये वर्ड दिया है नॉर्मन मेयर ने 1988 में, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका आ चुका। अब बाढ़ डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अब जो ये वर्ड है ये किस चीज से आपका रिलेट करता है, तो इसमें दो दो चीजें आती है आपकी, इसमें दो करेक्टरिस्टिक्स आती है आपकी, एक तो स्पीसीज एंडेमिज्म, एक डिग्री ऑफ थ्रीट। इन दो क्राइटेरिया के बेस पे हम किसी भी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बताते हैं, ठीक है, कि ये एरिया आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अगर वहाँ पे जो आपकी स्पीसीज एंडेमिज्म में, अगर वहाँ पे जो वेस्कुलर प्लांट्स है, ये फ्लोरा की बात कर रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पे जो वेस्कुलर प्लांट्स है आपके, अगर वो एटलीस्ट 1500 स्पीसीज है उनकी, ठीक है, और वो क्या है आपकी मोर देन 0.5% है टोटल वर्ल्ड की, तो वो कैसे हो गए आपके, वो आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये आपका स्पीसीज एंडेमिज्म है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से रिलेट कर रहा है, ठीक है। क्या है आपका फ्लोरा वेस्कुलर प्लांट्स, एटलीस्ट 1500 स्पीसीज होनी चाहिए, और आपका 0.5% टोटल वर्ल्ड का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका पार्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप डिग्री ऑफ थ्रीट की बात करो, तो डिग्री ऑफ थ्रीट क्या है आपका, आपका 70% जो 70% उसका जो ओरिजिनल हैबिटेट है वो भी क्या होना चाहिए, अगर उसका लॉस हो जाता है तो वो क्या होता है आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है आपका। आप इससे रिलेट कर सकते हो ना, जैसे हॉटस्पॉट रीजन कौन से होते हैं, जहाँ पे अभी कोरोना हॉटस्पॉट है ना, जहाँ पे आपके केसेस ज़्यादा होते हैं वो हॉटस्पॉट रीजन हो जाते हैं, मतलब जहाँ पे आपकी जो भी स्पीसीज वगैरह वो ज़्यादा डिक्लाइन होती जा रही है, प्लांट स्पीसीज वगैरह, वो पार्ट कौन सा हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गया, है ना, उसके साथ रिलेट कर सकते हो आप। चलिए तो ये मैंने कुछ ये मैंने पूरे वर्ल्ड के लिखे हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है गाइस, 36, ठीक है, वर्ल्ड में 36 हॉटस्पॉट है वर्ल्ड में, ठीक है, और इंडिया में कितने हैं, इंडिया में 4 है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, 36 वर्ल्ड में और इंडिया में 4 है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है एशियन, कौन कौन से आपके, ईस्ट मलेशियन आइलैंड, हिमालय, इंडो बर्मा, जापान, सिर्फ नाम देख लेना, ये माउंटेन और साउथ वेस्ट चाइना, न्यू कैलिडोनिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, आपकी पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ठीक है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सुंदरलैंड आपके, वेलेशिया, वेस्टर्न घाटन, श्रीलंका आपका, ठीक है, तो ये आपके क्या है मेजर है, ठीक है, ये आपके वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं, ओके। अगर आप बात करो बाढ़ डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया की, तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपका दिसंबर में भी आया है, ठीक है, दिसंबर 19 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से मेजर बाढ़ डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है आपका, तो वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट, उसमें से 3 आपके कैसे दिए हुए थे जो हॉटस्पॉट एरिया नहीं थे, और एक आपका वेस्टर्न घाट दिया हुआ था, तो आपका बाढ़ डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, वेस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो बर्मा एंड सुंदरलैंड, नाम याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि अगर बाय चांस पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि मेजर कौन है आपका, ओके, 4 है इंडिया में, वेस्टर्न घाट, हिमालय, आपका इंडो बर्मा एंड सुंदरलैंड, ओके। चलिए उसके बाद है आपका आयुशियन रेड लिस्ट, ठीक है, आयुशियन रेड लिस्ट, रेड डाटा लिस्ट या रेड बुक, अगर आप इसकी बात करो तो ये क्या है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ये IUCN की फुल फॉर्म है, इसने आपका रेड डाटा बुक को मेंटेन किया है, ठीक है, और आपका जो IUCN है वो 1964 में बना था, ठीक है, 1964 में बना था आपका। अगर आप बात करो जो आपकी ये रेड डाटा लिस्ट है, इसमें क्या है, इसमें अलग अलग कलर पेजेस हैं, और उन कलर पेजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पीसीज दी गई हैं उसके अंदर, ठीक है, जैसे आपका, यस बिल्कुल काव्या, आपका जो लॉन्गेस्ट है वो हिमालय है, लॉन्गेस्ट इज हिमालय, ओके। चलिए तो अगर हम बात करें, जैसे रेड कलर है आपका, रेड कलर में कौन सी आपकी जो एक्सटिंक्शन रिस्क ज़्यादा है जिसके, ठीक है, ब्लैक में कन्फर्म टू बी एक्सटिंक्ट, जो कन्फर्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है जो, रेड में इंडेंजर्ड, अम्बर में आपका वल्नरेबल, व्हाइट में आपका रेयर, ग्रीन में आपका इंडेंजर्ड, ग्रे में आपका वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और रेयर, तो ये आपके अलग अलग कलर दिए गए हैं, ठीक है, तो आप मेन ये पता होना चाहिए कि रेड डाटा लिस्ट के नाम क्या है, IUCN ने दिया था इसको, ठीक है, और रेड डाटा बुक भी बोलते हैं, रेड बुक भी, IUCN रेड लिस्ट भी बोलते हैं इसको। चलिए तो उसके अलावा हमने इसको 9 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो होता है आपका एक्सटिंक्ट टाइप, ठीक है, जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं,
ठीक है, जैसे डायनासोर्स वगैरह ना जो बिल्कुल खत्म हो चुके आपके। देन आपका एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब है जो वाइल्ड लाइफ में, ठीक है, जो नॉर्मल फॉरेस्ट वगैरह है वहां पे नहीं है, कैप्टिव में है, लाइक जू वगैरह में इनको कंजर्व किया गया है, ठीक है। देन है आपका क्रिटिकल इंडेंजर, क्रिटिकल इंडेंजर्ड कौन से होते हैं आपके, जिनको एक्सट्रीमली हाई रिस्क होता है एक्सटिंक्शन का, ठीक है, जिनको एक्सट्रीमली हाई रिस्क होता है आपका, ये होता है आपका इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड कौन से होते हैं आपके, जिनको हाई रिस्क होता है, ठीक है, और वल्नरेबल भी आपका ऐसे होता है। देन नियर थ्रेटेंड, देन लिस्ट कंसर्न, देन डाटा डेफिशिएंट एंड नॉट इवैल्यूएटेड। तो ये ओवरऑल आपके इंपॉर्टेंट है, देख लेना ये आपके, ठीक है, 9 टाइप के होते हैं आपके। अभी वन बाई वन देखते हैं इनकी क्राइटेरिया। तो अगर हम बात करें एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट है जो है ही नहीं, खत्म हो गए आपके, ठीक है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड जो क्या है आपके, सर्वाइव ओनली इन कैप्टिविटी, ठीक है। देन क्रिटिकल इंडेंजर्ड कौन से आपके, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, और इनका क्राइटेरिया क्या है, 80% to more than 90% प्रीवियस 10 ईयर्स में पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो गई, ठीक है। और आपकी करंट साइज कितना है आपका, आपका लेस देन 50 इंडिविजुअल्स, ये आपका। उसके बाद इंडेंजर्ड की बात करें, यस बिल्कुल काव्या, ठीक है, उसके बाद इंडेंजर्ड की बात करें तो इंडेंजर्ड क्या है आपका, वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, और पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई आपकी 50% to 70% आपकी, आपके प्रीवियस 10 ईयर्स में आपकी पॉपुलेशन 50% to 70% डिक्लाइन हो गई, और आपका अभी करंट साइज कितना है पॉपुलेशन का, 250 इंडिविजुअल से कम, ठीक है। देन वल्नरेबल, वल्नरेबल होता है आपका हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, और ये 30% to 50% लॉस हो गई प्रीवियस 10 ईयर्स में, और इनका नंबर कितना है, 1000 से कम, ठीक है। देन आपका नियर थ्रेटेंड है, ये क्या होता है आपकी, मे मीट द क्राइटेरिया फॉर थ्रेटेंड स्टेटस इन द फ्यूचर, फ्यूचर में ये थ्रेटेंड स्टेटस के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, मे बी। उसके बाद है आपका लिस्ट कंसर्न, लिस्ट कंसर्न कौन से होते हैं आपके, परवेसिव है और अबंडेंट आफ्टर केयरफुल असेसमेंट, कि काफ़ी है इनके बारे में सोचने की, कंसर्न करने की जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है, इनका नंबर काफ़ी है। डाटा डेफिशिएंट, अमाउंट ऑफ अवेलेबल डाटा रिलेटेड टू इट्स रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इज लैकिंग इन सम वे, ठीक है, जिनका डाटा है वो क्या है आपका, डेफिशिएंट है, जिनके बारे में आप पता नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है। देन नॉट इवैल्यूएटेड, नॉट इवैल्यूएटेड वो है जो आपकी IUCN रेड लिस्ट में जिनका नाम ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा हर एक स्पीसीज का नाम पॉसिबल नहीं होता, तो नॉट इवैल्यूएटेड में वो स्पीसीज आती है जिनको आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते, ठीक है, जिनका नंबर आपका काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये नॉट इवैल्यूएटेड में होता है आपका, ठीक है। तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शायद QSET एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, मैच द फॉलोइंग में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। देन है आपका रामसर कन्वेंशन, तो रामसर कन्वेंशन की बात करें गाइस, तो ये आपकी क्या है, ये वेटलैंड के ऊपर होते हैं रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड, और ये आपकी इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी होती है आपकी, जो प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन प्लान एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर कंजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड एंड इट्स रिसोर्सेज, ठीक है। तो अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन, राम कहाँ पे हुई आपकी, कहाँ पे स्टार्ट हुई, ईरान में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका, अभी QSET के एग्जाम में आया हुआ है आपका, ठीक है, रामसर आपका ईरान में हुआ 1971 में, लेकिन फोर्स में का, हाँ, एग्जाम में आया अभी, और फोर्स में 1975 में, तो ये याद रखना, 71 में अडोप्ट किया था, फोर्स में 75 में आया आपका, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें थ्री पिलर्स ऑफ रामसर कन्वेंशन कौन से आपके, एक तो आपका वाइज यूज, ठीक है, जो भी आपके वेटलैंड और रिसोर्सेज है उनको वाइजली यूज करना, प्लानिंग के साथ यूज करना। दूसरा उनका डिजाइनेशन ऑफ स्टेबल वेटलैंड फॉर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो आपका मोट्रिक्स रिकॉर्ड है उसमें आपका स्टेबल वेटलैंड को डिजाइन करना, ठीक है, जिसमें आप जो भी आपका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेटलैंड है जिनकी लिस्ट दी गई है उसको अच्छे से डिजाइन करना, ठीक है। उसके अलावा थर्ड है आपका इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड इंक्लूडेड इन द रामसर लिस्ट, ठीक है, जो आपकी ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड है ना, कि जो कोई भी दो कंट्री, कोई भी एरिया, अगर किसी भी वेटलैंड का एरिया कोई भी दो कंट्री से रिलेट कर रहा है, देन उनको भी उसके अंदर इंक्लूड करना आपका, ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें मोन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, तो ये मोन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आपने कब अडॉप्ट हुआ था, 1996 में ब्रिस्बेन में, ठीक है, यहाँ पे अडॉप्ट किया था। अब ये है क्या, ये मोन्ट्रिक्स रिकॉर्ड वो होता है आपका, ये एक रजिस्टर टाइप होता है, ठीक है, एक रजिस्टर टाइप होता है, यहाँ पे वो वेटलैंड साइट्स है उनका नाम लिखा होता है इनमें, जो जिसमें
जिसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जिनमें चेंजेस हो चुके हो रहे हैं और या हो सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट जिनमें हो चुके हो रहे हैं और हो सकते हैं फ्यूचर, तो वो होते हैं आपके मोन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमारी इंडिया की ओर से पहले तीन थी, ठीक है, पहले तीन वेटलैंड थे आपकी, एक तो चिल्का लेक, ठीक है, अभी भी एक तो चिल्का लेक है, एक आपका क्योलेडो नेशनल पार्क है, एक थर्ड क्या है आपका, चिल्का लेक, क्योलेडो नेशनल पार्क एंड थर्ड इज बताइए लोकटक लेक, लोकटक है ना, हाँ चलिए ठीक है, हाँ ये तीन थी पहले आपकी, ठीक है, कौन कौन सी, चिल्का आपकी, क्योलेडो, ठीक है, और आपका लोकटक, कौन सा थर्ड क्या आपका, यस लोकटक, ठीक है। लेकिन चिल्का लेक है, चिल्का लेक की कंडीशन काफी अच्छी हो गई थी इसलिए चिल्का लेक को रिमूव कर दिया गया था, ठीक है, आपकी जो चिल्का लेक थी 2002 में, ठीक है, 2002 में इसको रिमूव कर दिया गया था और इसी बात पे इसको अवार्ड भी मिला था, ठीक है, 2002 आपका रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड 2002 में मिला था, ठीक है, तो ये उस टाइम पे क्यों, क्योंकि इसकी कंडीशन पहले से काफी बेटर हो गई थी इस वजह से। तो अभी कौन से है आपके, अभी लोकटक मणिपुर में आपका और दूसरा आपका क्योलेडो नेशनल पार्क राजस्थान, अभी ये दोनों है आपके, ठीक है, ये आपकी जो लोकटक लेक है मणिपुर की, ये 1993 में ऐड हुई थी और क्योलेडो नेशनल पार्क राजस्थान आपका 1990 में, यस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। आई होप आपको आज का लेसन आपको समझ में आया होगा, अब इम्पोर्टेंट लगा होगा क्योंकि एग्जाम पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं आपके, ठीक है। चलिए अभी हम क्लास को एंड अप करते हैं, ओके, क्या कवर, हाँ यस बिल्कुल, अभी 10 नए ऐड हुए आपके, 10 वेटलैंड, यस ठीक है, 10 वेटलैंड्स हैं ये आपके और ऐड हुए हैं, यस ठीक है। चलिए तो अभी क्लास को एंड अप करते हैं, ओके गाइस, बाय, टेक केयर।